कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 8 दीपक प्रमेय प्रश्नावली 8.2 प्रश्न 10वां। यदि x प्लस 1 पूरे की घात n के प्रसार में r माइनस 1 वां r वां और r प्लस 1 वां पदों के गुणनफल 1:3:5 हो तो n तथा r का मान ज्ञात करो। उसके मान को ज्ञात करने के लिए देखिए हम कुछ इस प्रकार से, हम में से सभी जानते हैं क्या कि x प्लस 1 होल रेस 2 यदि हम n का प्रसार करें, इसका क्या करें, प्रसार करें, तो हमारे पास जो टी आर वह पद होता है टी आर माइनस 1 वह पद होगा, तो हम इसको कुछ ऐसा लिखेंगे टी आर माइनस 2 प्लस 1। इससे यहाँ जो पद लिखते हैं उसमें हमको स्पष्टता रहती कि यहाँ r माइनस 2 आता, यहाँ जो भी पद होगा उससे एक कम r माइनस 2 प्लस 1 वा पद होगा, तो यहाँ लिखेंगे r माइनस 2 x रेस 2 n माइनस r प्लस 2। और यदि t r वा पद लिख रहा है तो उसको हम लिखते क्या, कंडीशन देखिए, उसको लिखने की कंडीशन है t r माइनस 1 प्लस 1, मतलब क्या एन सी आर माइनस 1 एक्स रेस टू एन माइनस आर प्लस 1, और टी आर प्लस 1 वा पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एन सी आर, अब इसको डायरेक्ट लिखते रहे अपन एन सी आर एक्स की घात एन माइनस आर। अब जो दिए है उसको अपन लिख रहे हैं क्या प्रश्नानुसार, अब हम इसको लिख रहे हैं किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या दिया है कि हमारे पास टी आर माइनस वन वा पद और टी आर का जो अनुपात है वो कितना है 1:3 है, मतलब क्या पहले और ये दूसरे का अनुपात, मतलब एन सी आर माइनस 2 एक्स रेस 2 एन माइनस आर प्लस 2 बाय एन सी आर माइनस 1 एक्स रेस 2 एन माइनस आर प्लस 1, इनका अनुपात दिया है कितना 1:3 दिया है। हम इसको ऐसा लिख सकते कि इसका अनुपात क्या दिया 1:3 दिया है। जब हम इस पद को हल करेंगे तो इसको हल करने पर कौन सी कंडीशन आएगी, देखिए एन बटे में हमने लिखा क्या r माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। अगली स्टेप से हम x वाली टर्म्स को हटा देंगे क्योंकि हमको r और n की वैल्यू ज्ञात करना, तो x वाली टर्म्स को यदि हटा दिए जाए यानी एन सी आर माइनस 2 एन सी आर माइनस 1 की ही वैल्यू को देखे तो ये हमारे पास, अब ये जो इसका बटे वाला पद है उसको ऊपर लिखेंगे तो बटे वाला पद क्या होगा इसका r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर क्या, फिर होगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, बटे में जो पद रहेगा वो होगा फैक्टोरियल n बराबरी से 1/3। कुछ पद एक दूसरे को काट देंगे जैसे r माइनस 2 फैक्टोरियल r माइनस 1, तो हम जानते हैं यहाँ भी अंश में फैक्टोरियल n है तो ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है इसको। फिर यहाँ जो बचे हुए पद हैं उनको ध्यान से देखो तो यहाँ अंश में बचेगा क्या r माइनस 1, ये n माइनस r प्लस 2 है n माइनस r प्लस 1 है तो यहाँ बचते में जो बचेगा वो होगा n माइनस r प्लस 2 बराबरी से 1/3। इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कंडीशन आएगी 3r-3 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2। यदि 3r-3 इधर पक्षांतर हो गया तो हमारे पास बनता क्या एन माइनस 4r+5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। पुनः इसी प्रकार से हमारे पास है क्या कि एन सी
आर माइनस वनवा पद और एन सी आर का जो रेशो है या अनुपात है वो है 3:5। तो यहाँ पर ये बटे का आर अंश में पहुँच जाएगा तो वो आर बन जाता, और यहाँ बटे में जो आएगा वो क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस वन बराबरी से 3:5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान आएगा क्या, 5R इक्वल टू 3N माइनस 3R प्लस 1। जब इसको हम सॉल्व करते तो 5R इधर आएगा, तो 5R इधर आके 3R में जुड़ जाता, तो क्या होता 3N माइनस 8R प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखेंगे, तो यदि हम क्या करें, समीकरण एक को देखें तो यहाँ n है और यहाँ देखें तो 2 है, तो समीकरण एक में यदि 3 का हम क्या करें, गुणा कर दे, एक में 3 का क्या कर दे, गुणा कर दे, और 2 में से उसको क्या कर दे, घटा दे। तो लिख रहे हैं समीकरण एक में 3 का क्या करने पर, गुणा कर, इसमें से समीकरण एक में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। कंडीशन हमारे पास आएगी कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, यदि समीकरण एक के सारे पदों में 3 का गुणा करें तो मान आएगा 3n माइनस 12r प्लस 3×5=15 बराबरी से 0। ये तो वैसे ही रहेगा 3n माइनस 8r प्लस 1 बराबरी से क्या, 0। अब हमने क्या लिखा है, घटाने पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर 3 का मल्टीपल होगा तो ये 3 आ जाएगा। अब अपन ने घटाने पर लिखा है तो धन किस में, ऋण में, ये ऋण किस में, धन में, धन किस में, ऋण में, ये तो घट गया। ऋण 12 में से 8 को घटाएंगे तो ऋण 4, 15 में से 3 को घटाएंगे तो धन 12 बराबरी से 0। 12 दाहिनी तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 12, ऋण 12 में 4 का भाग देंगे तो r बराबरी से 3 हो। अब यदि हम कौन से समीकरण एक में r बराबरी से कितना, 3 रखने पर, जैसे ही r की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, n माइनस 3×12 धन 5 बराबरी से 0। ऋण 12 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7, n ऋण 7 बराबरी से 0, ऋण 7 का दाहिनी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा, इसलिए n बराबरी से 7। हमारे पास उत्तर हो गए, दोनों उत्तर कंप्लीट हो गए, अतः n बराबरी से 7 तथा r बराबरी से 3। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।